हेलो बच्चों, वर्कशीट 24 में हमें आज घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में पढ़ना है। आपने पशुशाला में जाकर देखा होगा कि बहुत से पशु, गायें तथा भैंस जब आराम करते हैं तो वो अपने मुंह को लगातार चलाते रहते हैं। यह देखकर आपको आश्चर्य जरूर होता होगा। आइए समझे कि ये किस कारण से अपने मुंह को चलाते रहते हैं या जुगाली करते रहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं के मुंह में आमाशय के पास एक थैली होती है। ये जंतु भोजन को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और उस भाग में भंडारित कर लेते हैं। इसे रूमेन कहते हैं। ये आप बड़ी सी संरचना यहाँ पर देख सकते हैं, ये रूमेन है। जब यहाँ पर भोजन पहुँचता है तो भोजन का पाचन पूरा नहीं हो पाता, आंशिक पाचन ही हो पाता है। यह आंशिक पाचन हुआ भोजन जब वे आराम कर रहे होते हैं तो इस आंशिक बचे हुए भोजन को अपने मुंह में ले जाते हैं और इसे चबाते हैं और छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। यह भोजन छोटे टुकड़ों में होने के बाद मुख नली से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय के साथ में आंत लगी हुई होती हैं जो भोजन के पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं और जो वेस्ट मटेरियल होता है, अपचा भोजन होता है, वह शरीर से गोबर के रूप में बाहर निकल जाता है। क्योंकि इस प्रकार इनके मुंह में जो पचा हुआ भोजन होता है रूमेन में भेजा जाता है, जिसे आमाशय कहते हैं। इसीलिए ऐसे जीव जंतुओं को रूमिनेंट्स या रोमन्थी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों में क्योंकि घास ही मुख्य भोजन आहार होता है और घास में सेलुलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसके पाचन में अधिक समय लगता है। इसीलिए रूमिनेंट जानवरों में शुद्रांत और वृद्ध आंत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर जीवाणुओं के द्वारा होता है और उसके बाद यह अवशोषित कर लिया जाता है। आइए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। रूमेन किसे कहते हैं? आमाशय के प्रथम भाग को रूमेन कहते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। प्रश्न दो, रूमिनेंट के तीन उदाहरण लिखिए। गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि। प्रश्न तीन, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में ये जीवाणु उपस्थित होते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं, इसीलिए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता। रिक्त स्थान भरिए। घास में डैश की प्रचुरता होती है। सेलुलोज जो एक प्रकार का डैश है, कार्बोहाइड्रेट। जंतु जो जुगाली करते हैं डैश कहलाते हैं, रूमिनेंट्स।